रिश्ता प्यार और नोकझोंक से भरा रहता है। इस रिश्ते में अगर प्यार है तो मीठी तकरार भी है, एक दूसरे का एहसास है तो नाराजगी भी है, उम्मीदें हैं तो शिकायत भी है। तो इसी तरीके से एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत अलग सा होता है, हर रिश्ते से बहुत अलग। उसको कोई समझ भी नहीं सकता, यहाँ तक कि पति पत्नी भी नहीं समझ सकते, कब नाराज होते हैं, कब पल भर में एक हो जाते हैं, ये मतलब समझने वाली चीज़ ही नहीं है। तो मैं आज कुछ कहूँगी आपके लिए शैलेश जी, जिंदगी में कुछ ना पा सकूँ तो क्या गम है, आप जैसा हम सफ़र पाया है क्या ये कम है। तो बस यहीं से शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पहुँच चुके हैं हस्बैंड का बर्थडे मनाने, शैलेश जी का आज बर्थडे है तो बस वही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो शैलेश जी के कुछ फ्रेंड्स हैं और फैमिली, बस हम लोग कुछ कम ही लोग हैं और इतने लोग ही सेलिब्रेट करेंगे। अचानक से प्रोग्राम बना क्योंकि एक छोटा बेबी है तो उसको लेके हम ज़्यादा बड़ा भी और कुछ फंक्शन ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो हमने एक छोटा सा ऐसा ही सेलिब्रेशन किया। ठीक है, यहाँ का बच्चा है।
तो ये देखिए, जब मैंने इसको पहली बार देखा था इस तरह के वीडियो को, तो मुझे लगता था कि जहाँ पे हम खड़े रहते हैं ना वो सर्कल में घूमता है, पर वो नहीं घूमता है, एक्चुअल में घूमता क्या है, कैमरा। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे एक नई चीज़ ला के रख दी गई है पब्लिक को इंगेज करने के लिए, और बहुत अच्छा इंगेज, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पे वीडियोज़ बनवाए, और उसके बाद इनका गिफ्ट वाला हो रहा है, गिफ्ट एक दूसरे को मतलब थोड़ा सा मजाक मस्ती के साथ कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद आया, रीज़न ये था कि भूख बहुत तेज़ लगी थी, बहुत टाइम हो गया था, और इस टाइम पे क्या है कि मुझको जो है ना बहुत जल्दी भूख लगती है, पता नहीं क्या है, प्रेगनेंसी के बाद कहते हैं भूख कम लगती है, पर मुझे इस समय पर ज़्यादा ही भूख लग रही है। और जब खाना देखा तो मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं कितना जल्दी से खा लूँ, तो सूप पीने के बाद मैंने फटाफट लग गई हूँ मैं खाना खाने में, और उसके बाद सारे लोग ही इंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग ना अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी बहुत सारी मस्ती बाकी है, क्योंकि हम बड़े तो हो गए हैं पर दिल तो बच्चा है जी, वही वाली कहानी है। तो अभी अभी चलते हैं आगे। अभी इसके बाद मैं चली आई थी लल्ला को फीड कराने, वो भी बहुत परेशान कर रहा था जब खाना खा रहे थे, लेकिन अभी वो सो गया, तो हम लोग बातें करने लगे। और जब बहन बहन मिलते हैं ना, तो पुरानी यादें बहुत सारी ताज़ा हो जाती हैं, ख़त्म ही नहीं होती बातें। कभी कभी लगता है कि लेडीज़ों के पास क्या रहती है बातें करने को, और हम खुद लेडीज़ समझ नहीं पाते बातें क्या रहती हैं, पर मज़ा बहुत आता है यार बात करने में, एक चीज़ तो है। तो बस यही, मम्मा भी आ गई है, अब हम सब बैठ यहीं पे बैठेंगे। और ये बहुत अच्छा लोकेशन है, ये रीवा में एक ओपन रेस्टोरेंट है सारकिन, कई बार आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। तो हमने एक बार हट में भी यहाँ पे डिनर किया था। आज मैंने हट सेलेक्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जो जो चीज़ हम लोग को वहाँ पर मिली ना, जो लाइटिंग और ये सब चीज़, और थोड़ा ज़्यादा थे क्वान्टिटी में, इसीलिए हट के लिए थोड़ा हम लोग कम पड़ते, दो हट सेलेक्ट करनी पड़ती, तो मज़ा नहीं आता अलग अलग बैठने में। और यहाँ पे कई सारी हट बनी हुई हैं, लेकिन जब कभी कपल में आओ ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम और मैं और हस्बैंड कई बार यहाँ पे आए हैं, और आफ्टर मैरिज भी हम लोगों ने वो फील किया है जो जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फील करते हैं। बहुत सारी मस्ती हुई है लाइफ में, बस इतना ही चीज़ हमारे साथ रह जाता है, हमारी यादें। कहते हैं ना, धन दौलत तो बचा के हम बहुत रख सकते हैं, लेकिन ये जो प्यारी प्यारी यादें हैं ना, इनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। हम ये छोटे छोटे ओकेज़न को यदि सेलिब्रेट कर लेते हैं ना, तो यही ओकेज़न जो है ना हमें हमेशा याद रहेंगे, और बहुत सारी खुशियाँ हमें याद में ही खुशियाँ मिल जाती हैं। जैसे जब कभी कभी मैं पुरानी चीज़ों को याद करती हूँ तो मुझे उसमें ही खुशी मिल जाती है, आप भी जब कभी बैठते होंगे तो पुरानी चीज़ों को याद करके आपको बहुत खुशी मिलती होंगी। और ये देखिए, बच्चों के झूले में आंटियाँ बैठ चुकी हैं, तो हम सब बैठ के मस्ती करेंगे, और ये चार आंटियाँ यहाँ बैठी हैं और एक आंटी बगल में बैठी हुई है, वो तो और बड़े से झूले में बैठी हुई है। तो बस यहाँ पे देर थी कि यहाँ का जो मैनेजर है वो आके ये बोलने ही वाला था कि आप लोग अब उठ जाइए, बस बस करिए, और ये छोटा बच्चा बेचारा झूल नहीं पा रहा है क्योंकि वो सोने में लगा हुआ है। कोई बात नहीं, सोने देते हैं उसको, अभी हम लोग मस्ती कर लेते हैं, अभी हमारे दिन है, उसके भी दिन आएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये आंटियाँ पर्याप्त रूप से झूलने के बाद ही उतरेंगी, ऐसा सोच लिया इन्होंने, तो कोई बात नहीं, झूल लेती हैं, उसके बाद चलते हैं घर की ओर, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, लगभग बज रहे हैं 11, और अभी बुलावा भी आ चुका है कि चलो चलो, बहुत टाइम हो गया है। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था उतरने का, लेकिन इन लोगों ने जहाँ थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोला ना कि चलो घर चलना है, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, चलते हैं घर। तो अभी भी फ़ोटो सेशन बहुत सारा बाकी है, हम लोग फ़ोटो सेशन कराने में बिल्कुल चूक नहीं रहते, क्योंकि तो मेरे साथ तो ये था कि मैं ये जो 9 मंथ की जर्नी अपनी कंप्लीट की हूँ, उस बीच में मैं कहीं जा नहीं पाई हूँ, तो मेरे साथ तो ऐसा था कि जैसे एक पक्षी नहीं बाहर निकल जाता है पिजड़े से, तो ऐसे ऐसे हम उड़ रहे थे। तो कोई नहीं, अभी तो चलते हैं घर की तरफ, फिर किसी दिन फिर उड़ने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यदि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए यार, क्यों नहीं करते हैं, करिए, मज़ा आएगा, वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। और हमसे मिलते रहिए, हमारी फैमिली से मिलते रहिए, और कमेंट्स करते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कॉम्बिनेशन में नीचे करके किया आएगा तो हम लोग पूछेंगे, हम लोग आएंगे देख रहा है बटे आया था, अरे तो है आज तो कल आ गया।